क्या कुछ कहना चाहोगे? मल्हारी की जीत तो होनी थी, उसमें कोई शक था ही नहीं, लेकिन ये बीच में युवराज जो लुढ़क गया अनुष्का की तरफ, उससे थोड़ा सा पासा पलटने के चांसेस लग रहे थे, लेकिन दोबारा हमने सब अपने काबू में ले लिया और युवराज भी अब हमारे रास्ते में है नहीं और अनुष्का को भी हम रास्ते से हटा चुके हैं, तो जीत हमारी टोटल हो चुकी है। पर युवराज आपका बेटा है, तो क्या आप सगापन वो दिखाकर? युवराज मेरा बेटा नहीं, भतीजा है, और सगापन मैं दिखाती अगर वो भी दिखाता, लेकिन वो चाहता था मेरे लड़कों को जेल भेजना और वो चाहता था मेरे लड़कों को सज़ा देना, और मेरे पति ने जितना भी हमारा प्रॉपर्टी था वो सब युवराज के नाम पे लिख दिया था, विच वॉज टोटली अनफेयर, तो उसको रास्ते से हटाना तो बहुत एक लॉजिकल चॉइस थी। सो अभी तो जैसे कि अभी तक अब तक अनुष्का की राज चल रही थी, अम्मा जी की राज चल रही थी, क्या आगे अब हम मल्हारी की राज चलते हुए देखें? बिल्कुल, आपने सुन लिया, पूरा गांव मल्हारी देवी की जय, मल्हारी देवी की जय कर रहा था, तो शुरू से होना चाहिए था, थोड़ी देर लगी, कोई बात नहीं। तो अभी शो में लीप आने वाला है, न्यू कैरेक्टर्स आने वाले हैं, उसके लिए क्या कहना? जैसा मैंने अभी कहा कि हर कहानी में कुछ मोड़ आए तो वो अच्छा लगता है, कुछ नयापन आए, कुछ फ्रेशनेस आए तो अच्छा लगता है, और कैरेक्टर्स इन एंड आउट जाते रहें और साइमल्टेनियसली स्टोरीज चलती रहें तो वो ऑडियंस के लिए एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्यूइंग हो जाती है, तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।